आज हम देखेंगे सबसे पहले रुधिरानु क्या है और इनको कितने भागों में बांटा गया है, उन लोगों का जन्म कहाँ होता है और उन सबके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो ब्लॉग का पार्ट 3 है, इसके पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 दो वीडियो बन चुका है। चलिए बात करते हैं रुधिरानु क्या है। देखिए पूरे ब्लॉग में 40% रुधिरानु होता है, जिसमें हम बताए थे कि 100% ब्लॉड में 60% प्लाज्मा होता है और 40% क्या होता है, रुधिरानु होता है। इस रुधिरानु को 3 भागों में बांटा गया है, RBC, WBC, रक्त पिंबाणु, जिनको प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए RBC क्या होता है कि RBC के पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पसेस और WBC का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस, इनको बोलेंगे लाल रक्त कणिकाएं, तो इनको बोलेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं। यह रुधिरानु को 3 भाग में बांट दिया गया है, RBC, WBC, रक्त पिंबाणु, जिनको प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं लाइनिंग में लाइन, सबसे पहले आते हैं RBC क्या है। देखिए RBC इनका पूरा नाम R से रेड, B से ब्लड, C से कॉर्पसेस, यानी लाल रक्त कणिकाएं। RBC जो ब्लड है इसमें केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऊंट जो जीव है, ऊंट के ब्लड में जो RBC होता है, ऊंट के RBC में केंद्रक होता है, ऊंट के RBC में केंद्रक होता है, लेकिन हम लोगों के ब्लड के जो RBC है उनमें केंद्रक नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह केंद्रक विहीन एक प्रकार के ब्लड है। RBC का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, इनको बोन मैरो भी कहा जाता है। तो RBC के निर्माण की बात करते हैं तो अस्थि मज्जा में, लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर कोई लड़का है जो अपने माँ के गर्भ में है, तो गर्भकाल में RBC के जन्म कहाँ होता है, यकृत में। गर्भकाल में RBC का जन्म कहाँ होता है, यकृत में। यकृत के अलावा एक और अंग है जिसे पिलिया कहते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा RBC का जन्म हो जाता है। अब RBC जो है इनका रंग कैसा होता है, लाल। लाल क्यों होता है, तो RBC में एक वर्णक HB जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, HB जिनको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन के कारण RBC का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसमें ना एक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिसे आयरन कहते हैं, इनको हीमोएटिन कहा जाता है। एक प्रकार के तत्व है जिसे क्या कहते हैं, आयरन। अब देखिए ब्लड के पार्ट 1 में बता चुके हैं कि आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है और यह आयरन सबसे ज़्यादा पालक में मिलता है। यह आयरन का स्रोत जो है सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, तो पालक में मिलता है। चलिए सोते समय 5% RBC में कमी हो जाती है, सोते समय 5% RBC में कमी हो जाती है। अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं 4200 मीटर की ऊंचाई पर, तो 30% की RBC में वृद्धि हो जाती है। ऊंचाई पर जाते वक्त 4200 मीटर की ऊंचाई पर 30% RBC में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। प्रतिदिन RBC में 30 लाख कण बनता है और इतना ही कण नष्ट होता है। प्रतिदिन RBC में 30 लाख कण बनता है, इतना ही कण नष्ट होता है। आ इन कणों का मापन किससे किया जाता है, हेमोसाइटोमीटर से। इन कणों का मापन किससे किया जाता है, हेमोसाइटोमीटर से। अब देखते हैं कि हमारे जो ब्लड में RBC होता है, RBC का मेन काम क्या होता है, आखिर हमारे शरीर में यह किस लिए होता है। देखिए RBC का काम होता है कि O2 को कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाना और CO2 को फेफड़ा में ले आना। जब हम सांस लेते हैं तो O2 हमारे नाक से होते हुए फेफड़ा में जाता है। अब फेफड़ा में पहले से मौजूद होता है HB, फेफड़ा में पहले से मौजूद होता है HB। HB क्या करता है कि O2 को पकड़ के या कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ब्लड के सहायता से लेके चला जाता है, O2 को पहुंचा देता है और ओजवा से CO2 उठा लेता है और CO2 को उठा के फेफड़ा को लिया के दे देता है। उसके बाद फेफड़ा क्या करता है कि उनको बाहर निकाल देता है। अर्थात हम कह सकते हैं RBC O2 को कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाता है और CO2 को बाहर क्या करता है, ले आता है।
अब हम बात करते हैं WBC के बारे में। देखिए WBC अमीबा के जैसा होता है, अर्थात हम जानते हैं कि अमीबा एक अनिश्चित आकार के कोशिकीय जीव है। देखिए अमीबा का कोई फिक्स आकार नहीं होता है, तो समझिएगा कि WBC का कोई फिक्स आकार नहीं होता है। WBC में ना केंद्रक होता है, RBC में नहीं होता है, पर WBC में केंद्रक न्यूक्लियस इसमें रहता है। WBC के जन्म कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। इसके अलावा लिम्फ में भी होता है, यकृत में भी होता है, प्लीहा में भी होता है। इनका जीवन काल की बात करें ना तो 3 से कितना दिन के होता है? 5 दिन। देखिए RBC के जीवन काल होता है 120 दिन लास्ट, लेकिन अगर ऐसा माना जाए ना तो 20 से 120 दिन होता है। ये मर के कहा जाता है? प्लीहा में। RBC मर के कहा जाता है? प्लीहा में। देखिए जो जहां अगर कोई भी चीज मर के जाता है ना उनको ब्लड बैंक करते हैं। RBC का ब्लड बैंक कौन होता है? प्लीहा, क्योंकि मर के कहां पर जाता है? वहीं पर जाके स्टोर होता है। WBC हमारे शरीर में काची के काम करता है, सिपाही यानी सैनिक। हमें किसी भी मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता कहां से आती है? WBC। अगर हमारे शरीर में WBC एक्टिव है, बहुत ज्यादा WBC मतलब पूरा अच्छे तरह से हमारे शरीर में WBC पूरे ब्लड में भरे हैं, तो हम किसी भी रोग से लड़ सकते हैं और हमें जल्दी से हमारा स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ सकता है। लेकिन अगर वहीं पर WBC की संख्या में बहुत कम हो जाए, तो याद रखिएगा अगर WBC के कणों की संख्या कम हो जाए तो कम होने से हम रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो मतलब रोग से लड़ने की क्षमता है, वह क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और वह कम हो जाएगी तो हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाएंगे और हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। देखिए एक बात याद रखिएगा, एड्स एक बीमारी है, एक वाइड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर से सुन लीजिए, एक वाइड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह एड्स बीमारी HIV वायरस से होता है। इसी एड्स बीमारी में HIV जो वायरस होता है, यह WBC के कणों की संख्या को मार देता है, इसी के कारण WBC कम हो जाता है। इसीलिए देख लीजिएगा एड्स वाले रोगी कभी अच्छे से ठीक नहीं हो पाते हैं और ये बहुत जानलेवा बहुत घातक बीमारी है। ये तो WBC हो गया। देखिए RBC और WBC में कणों के अनुपात 6:1 होता है। RBC में और WBC में कणों का अनुपात कितना होता है?